योगी सरकार पार्ट टू का गठन हो चुका है और हमारे साथ में योगी मंत्रिमंडल में शामिल प्रतिभा शुक्ला जी हैं। मौका दिया है एक बार पार्टी ने उन्हें, प्रतिभा जी पार्टी ने मौका दिया, क्या कहेंगे जी? हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने एक काम करने का अवसर दिया और हमारा जो संकल्प था उसको पूरा करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी, तो इसलिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नारी शक्ति मिशन, योगी जी का शक्ति मिशन के सहारे हम गांव-गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं और हम युवाओं के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये ताकत, ये पावर जो मिली है, इसका काम हम सदुपयोग उन लोगों के लिए लाएंगे जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं। उम्मीद की थी, क्योंकि यहाँ तो भाजपा सब अप्रत्याशित होता है, पहले से कोई नहीं जानता, तो उम्मीद की थी? अब काम के आधार पर तो थोड़ी उम्मीद थी ही, चूँकि हम लोग जहाँ से जीत कर आए हैं वहाँ पर बड़ी कठिन सीट है और बड़ा ही संघर्ष रहता है वहाँ पर, लेकिन चूँकि हमारा ये संकल्प था कि हम लोग कुछ नया करने की इच्छा थी, तो वो बिना पावर के हो नहीं सकती, तो पावर जो भी मिली है हम उसके आधार पर हम लोग काम करके दिखाएंगे। मैं और हमारे पति भारती जी दोनों जो पूर्व सांसद हैं, हम दोनों लोग मिल के इतना काम करेंगे कि कुछ नया दिखाई दे। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, इन्होंने प्रतिभा को, हमारी पत्नी को कंसिडर किया और उसे भी, हम लोग पूरे 5 साल काम करते हैं और पूरे 30 दिन और 24 घंटे मान लीजिए आप, तो हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं और लगातार तीसरी बार ये जीती हैं, तो कुछ उम्मीद थी, तो जो मौका मिला है तो मैं सोचूं चाहूँगा कि संगठन भी मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो और 2024 में हम अपने यहाँ से जो हमारे यहाँ 4 सीटें हैं लोकसभा की, उन सबको जिता करके भेजें। तो यहाँ पर उनका प्रतिभा शुक्ला को और उनके घर सज को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने भरोसा किया है और उस भरोसे को भी कायम रखेंगे और कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से ये उम्मीद जरूर की थी कि पार्टी मौका जरूर देगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।